ये शानदार वराह भारत के अतीत का भव्य अवशेष है जो आज इस जगह में खेतों के बीच मौजूद है। ये जगह है मध्य प्रदेश का एरन गांव, जो गुप्त साम्राज्य के दौर में एक महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था। यहाँ पर मौजूद वराहा की गर्दन में लिखे शिलालेख की कहानी बेहद दिलचस्प है। बीना नदी से घिरा एरन मध्य प्रदेश के सागर शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। आज से 1700 साल पहले एरन गांव एक समय में बेहद खुशहाल नगरी हुआ करती थी और आयर कन्या के नाम से जानी जाती थी। ये जगह प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण व्यापारी मार्ग दक्षिणा पथ पर स्थित था, जो विदिशा के जरिए पाटलिपुत्र को उज्जैन को जोड़ता था। यहाँ पाए गए सिक्कों से पता लगता है कि एरन में एक प्राचीन टकसाल हुआ करती थी, जहाँ कई राजवंशों के सिक्के ढाले जाते थे, जिनमें से उज्जैन और विदिशा राजवंश शामिल थे। यहाँ मिले करीबन 3000 सिक्कों से पता चलता है कि एक जमाने में समृद्ध नगरी हुआ करती थी। चौथी और छठी शताब्दी के बीच शासन करने वाले गुप्त राजवंश के जमाने में एरन एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र भी रह चुका था। गांव की दक्षिणी दिशा में कुछ मंदिरों के अवशेष मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र यहां मौजूद वराहा है। कहा जाता है कि 11 फुट ऊंची इस चमत्कारी आकृति की गिनती भारत के उन चंद मूर्तियों में की जाती है जिसमें भगवान विष्णु के अवतार के पूर्ण रूप को दर्शाया गया है, और ये मानव और विष्णु अवतार के मिश्रित रूप में नहीं है। ये मूर्ति एक मंदिर में स्थित थी जो दुर्भाग्यवश अब यहाँ मौजूद नहीं है। बलुआ पत्थर की बनी ये शानदार आकृति अपने आप में एक अजूबा है। यह आकृति भगवान विष्णु के वराह अवतार का प्रतिनिधित्व करती है, जो हिरण्याक राक्षस से बचाने के लिए पानी में डूबी हुई पृथ्वी को अपने नुकीली दांतों से उठाए हुए है। वराह की आकृति में उसके नीचे नुकेले दांतों पर महिला के रूप में भूदेवी की छवि भी बनी हुई है। इस मूर्ति को उसके पूरे शरीर यानी पांव, सिर तथा सीने पर साधु संतों और भगवानों की छोटी छोटी आकृतियां उकेर कर बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया है। वराहा के कानों पर दिव्य संगीतकारों की छवियों को उकेरा गया है। तमाम कलाकारी बेहद बारीकी से की गई है। यहाँ तक कि वराहा की जबान पर भी सरस्वती देवी की एक छोटी सी छवि उकेरी गई है। इस मूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ मौजूद शिलालेख है। आमतौर पर शिलालेख चट्टानों पर, गुफाओं की दीवारों, मंदिरों या खंभों पर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ शिलालेख वराह की गर्दन पर उकेरा गया है। 8 पंक्तियों का ये शिलालेख धन्य विष्णु नाम के व्यक्ति का उकेरा गया है, जिसमें भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर के निर्माण के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन उसमें किसी खास दिन या तारीख का हवाला नहीं दिया गया है। इसमें सिर्फ इतना लिखा गया है कि यह शिलालेख अलकोनहून राजा तोरामन के शासन के पहले वर्ष में लिखा गया था। हूण मध्य एशिया की एक जनजाति थी जिसकी उत्पत्ति 6 शताब्दी में हुई थी। तोरामन का संबंध हूण जनजाति की अलकोन शाखा से था। तोरामन ने 6 सदी में उत्तरी भारत पर हमला किया था। उस समय गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा था, जिसके कारण एरन शहर हूणों के कब्जे में आ गया। वराहा के शिलालेख से साबित होता है कि हूणों ने उत्तरी पश्चिम इलाकों पर हमला किया था और गुप्त राजवंश के सत्ता को समाप्त कर दिया था। लेकिन हूण एरन पर बहुत लंबे समय तक अपना कब्जा कायम नहीं रख पाए, क्योंकि एरन में तोरामन के शासन के बाद का कोई शिलालेख नहीं पाया जाता है। लेकिन एरन से 400 किलोमीटर दूर मंदसौर शहर में मिले एक शिलालेख से पता चलता है कि 6 शताब्दी में तोरामन के बेटे मिहिर कुल को औलीकार राजा यशोधर्मन के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। गुप्त राजवंश के पतन के बाद एरन का महत्व धीरे धीरे कम होता गया और वक्त के साथ एक फलते फूलते शहर को बिल्कुल भुला दिया गया। सदियों बाद सन 1874 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम की देखरेख में एरन में खुदाई करवाई गई, जिसमें कई सिक्कों, शिलालेखों और मंदिरों की खोज हुई। आज ये प्राचीन स्थल
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है, जो इसके एक्सकवेशन में आज भी सक्रिय है, जिसके कारण आने वाले समय में हमें और राज पता चलेंगे।